अस्सलाम वालेकुम. लेट्स डिस्कस डेमोक्रेसी. यू आर वेल नोन विद द टर्म. सो डेमोस मीन पीपल एंड क्रिटोस मीन्स अथॉरिटी और पावर एंड इट्स अ ग्रीक वर्ड. वेल, व्हाट डज इट मीन दैट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव सुप्रीम पावर एंड कैन एक्सरसाइज डायरेक्टली और बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम. यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो लोग होते हैं वो इलेक्शंस के जरिए से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं या फिर वो खुद भी डायरेक्टली उसका पार्ट बन सकते हैं, पार्लियामेंट का डायरेक्टली पार्ट बन सकते हैं. सो द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट जब भी उनको लगता है कि गवर्नमेंट उनकी अपनी जो पावर्स हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रही है या वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है. तो लोगों का ही क्योंकि रूल होता है तो लोग अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू फेयर इलेक्शंस के थ्रू. सो हिस्ट्री इसकी ये है कि जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें हम देखें तो जो सैमुअल पी हटिंगटन है इसको तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं. वो कहते हैं कि जब डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही थी तो उसके दौरान तीन फेजेस आए. उन्होंने कहा कि जो 19th सेंचुरी से अंटिल 1920 तक तो हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी डेमोक्रेसीज माजी वजूद में आ गई थी जिसमें 29 डेमोक्रेसीज थी. लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि मुसोलिनी आ जाती हैं इटली में और नाजी आ जाते हैं जर्मनी में तो फासिज्म और नाजिज्म का एक कॉन्सेप्ट चल पड़ता है जिसमें डिक्टेटरशिप रूल करते हैं, वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें ऑल मैन पावर शो होता है और नाजी और मुसोलिनी अपनी ही जो पावर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो दूसरे लोगों की बात नहीं मानते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म का इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं होता है, वो सेल्फ इम्पोज्ड रूलर्स होते हैं जो कि जर्मनी और इनके ऊपर इटली के ऊपर इम्पोज हो चुके होते हैं, ठीक है. तो हम देखते हैं कि जब डेमोक्रेसीज की तादाद फिर कम हो जाती है और 12 नई डेमोक्रेसीज रह जाती हैं, ठीक है, अंटिल 1945 तक. अब क्या होता है कि 45 में हम देखें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो उसके बाद अब जब एक मेजर शिफ्ट आता है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज होने की जरूरत है क्योंकि फासिज्म खत्म हो चुका है होता है और जो कम्युनिज्म है वो काफी हद तक कम हो चुका होता है. सिर्फ रशियन एम्पायर बाकी रह जाती है जो कि कम्युनिज्म को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन इसके बाद हम देखें तो जो सबसे सुपर पावर बन के उभरता है वो अमेरिका होता है. तो अमेरिका अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है क्योंकि उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है और जो रूलर्स होते हैं वो लोगों की बात को उनको सुनते हैं और उनको मानते हैं. तो हम देखते हैं कि 1945 में 36 डेमोक्रेसीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं. उसके बाद ये जो अगर हम देखें तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तादाद फिर से कम होना शुरू हो जाती है 1962 से लेके 1970 तक. उसके बाद हटिंगटन ये कहते हैं कि 1974 के बाद फिर से डेमोक्रेसी फ्लरिश होना शुरू होगी दुनिया में और अब वो कहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा पीरियड अगला आ सकता है जिसमें फिर से इसमें हम एक मेजर शिफ्ट देखेंगे, एक डिक्लाइनिंग शिफ्ट देख सकते हैं डेमोक्रेसीज में. जैसे आजकल ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अब डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है या नहीं रहा, ठीक है. खैर इसमें जो डेमोक्रेसी है उसकी टू कैटेगरीज हैं, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो स्मॉल सिटी स्टेट्स जो होती हैं उसमें हम लोग इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे हमें पता है कि जब एथेंस और जो ग्रीक एथेंस वगैरह थे उनमें क्योंकि स्मॉल सिटी स्टेट्स होती थी बहुत छोटे छोटे शहर हुआ करते थे और उनमें जो लोगों की तादाद थी वो भी बहुत कम होती थी. जैसे कुछ सिटी स्टेट्स में मे बी 2000 लोग हों, कुछ में 4th हों, 5 हों, मतलब बहुत ही कम तादाद हुआ करती थी और उनमें वो लोग इलेक्टेड नहीं करते थे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चुनते थे, बल्कि वो लोग क्या करते थे कि वो एक जगह पर असेंबल हो जाते थे और उसके बाद वो लोग मुख्तलिफ तरह की डिस्कशंस करते थे, अपनी ओपिनियंस देते थे और अगर कोई पॉलिसी मेकिंग करनी होती थी तो वो सब मिलके करते थे, ठीक है, विदाउट द एड ऑफ एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है. लेकिन हम देखें तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वैसे अगर जो स्विट्जरलैंड है उसमें अभी तक नेशनल लेवल पर हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही देखते हैं. वेल, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि जिसमें लोगों को इलेक्ट किया जाता है, वो या तो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, वो पार्लियामेंट के मेम्बरान बन सकते हैं या फिर वो किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंट में अपनी जगह बना सकते हैं, ठीक है. तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें तमाम लोग को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, तमाम एडल्ट वोटिंग राइट्स मिलते हैं
और वो अपने ही पसंदीदा जो उनके इलेक्टोरल्स होते हैं उनको वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो प्री रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी में, वैसे तो हम कहते हैं कि बहुत सारे ममालिक अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे प्री रिक्वायर्ड हैं जो भी किसी मुल्क को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं कि कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, सबसे पहले तो ये कि जो हमारी अपोजिशन होती है, जो पार्लियामेंट में एक मेजर हिस्सा होती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है, क्योंकि वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो वो गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ऐसी बनाती है जिसमें लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा होता, या वो लोगों की जो के अगेंस्ट जा रही होती है, तो वो इजीली उसको ओवर रूल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या होती हैं कि आपका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को आपने राइट डाउन किया होता है कि किसी भी, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट है तो उसकी एज क्या होगी और उसमें कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो कि आप का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, इस तरह से हर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी पावर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट डाउन किया गया होता है। ठीक है, इसके अलावा वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं एडल्ट्स को, वोटिंग राइट्स है। इसके अलावा एडल्ट्स खुद भी डायरेक्टली मेंबर बन सकते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस का। ठीक है, इसके अलावा राइट टू एक्सप्रेशन, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। फिर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं जिसमें आपका मीडिया है, आपकी प्रेस है, न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक है, इसके अलावा नो आउटसाइड कंस्ट्रेंट्स, अब आपके ऊपर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन, आउटसाइड फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती। आपका डेमोक्रेटिक मुल्क बिल्कुल आजाद होता है और वो अनबायस्ड होता है, उसमें किसी भी किस्म का जो दूसरा मुल्क है उसका इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो वहां के लोग हैं, वहां की अपनी आबादी है, वो ही अपने मुल्क को कंट्रोल करेगी, कोई भी दूसरा बाहर से आके अपने मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ये है कि अगर हम लोगों को एजुकेट करें कि डेमोक्रेसी क्या है और ये कैसे काम करती है और लोग किस तरह से अपने हक को पहचानेंगे, जब वो लोग ये जान जाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। राइट, सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमारे पास बहुत सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये और मेरिट्स क्या होंगे डेमोक्रेसी के? मेरिट्स ये होंगे कि पार्टिसिपेशन, अब देखो कि इसमें तमाम लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तमाम एडल्ट राइट्स, एडल्ट्स को राइट्स मिलते हैं कि वो अपना वोटिंग राइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका सीएनआईसी बन जाता है, आप एक आजाद शहरी बन जाते हैं किसी भी मुल्क के, उसके बाद आप अपनी ये पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि आपको फ्रीडम मिलती है। अब आपके मुल्क में जब आपको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ऑफ बिल्डिंग एनी इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हैं, आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल आजाद होते हैं इस मामले में। इसके अलावा को एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि लोग मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, दैट इज इन अ वेरी पीसफुल मैनर में चुनते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लिबर्टी एंड इक्वालिटी होती है, क्योंकि तमाम लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल राइट टू वोटिंग दी जाती है, और तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो लोग हैं वो लॉ के सामने सारे के सारे बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते लिबर्टी के ऊपर, लोग आजादाना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म आप माइनॉरिटी राइट्स देते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, हाँ, अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रही होती है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर एक चीज जो डेवलपमेंट हो रही है वो इन अ पीसफुल मैनर हो रही है, और किसी भी किस्म की उसमें आप देखते हैं कि वो राइट्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो लोगों की वेलफेयर के लिए ही होती है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन, जब आपको राइट टू वोट मिलता है तो लोगों को एजुकेशन मिलती है। किस तरह से? क्योंकि जो बहुत सारे आपके पास पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों के पास आते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो भी वो गवर्नमेंट में आके करेंगे, इससे लोगों को एजुकेशन मिलती है कि वो किन लोगों को इलेक्ट करना चाहते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको वो इलेक्ट कभी नहीं करना चाहते। ठीक है, खैर इसके कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, वो कैसे
कि हम देखते हैं कि कभी कभी जो मेजोरिटी होती है, क्योंकि मेजोरिटी ही की बुना पर हम लोग किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मेजोरिटी है वो रूल करती है और माइनॉरिटी सप्रेस हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा करप्शन है, करप्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं, आप जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्योंकि सिटीजन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो उनको वो करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए से बहुत सारी चीज़ों को छुपा सकते हैं। अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया या उन्होंने किसी भी केस में कोई गलत काम किया है, तो वो अपने आप को छुपा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिटीजन्स के उनके माइंड को मैनिपुलेट करने की पावर रखते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे डेमोगोग पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं कि लोगों को सही और गलत की पहचान ही खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब आपको पता है कि जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ही एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपके मुल्क में 4 साल के इलेक्शन के बाद इलेक्शंस होते हैं या 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो आप देखते हैं कि हर एक सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। सो इट्स अ वेरी कंबर्सम प्रोसेस है, एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसके अलावा कंट्रोल द सिटीजन्स की बात की होगी एंड गवर्नमेंट बाय द एमिटर्स। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अक्सर जो लोग आपकी पावर में आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा वो लोग प्रोफेशनल नहीं होते, ठीक है, वो मुल्क को उस तरह से चला नहीं पाते जिस तरह के उसको चलाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।